गाइस, मेरा नाम अमर सैफी, आप सभी का स्वागत है अमर सैफी व्लॉग में। तो कर दिया मैंने व्लॉग की शुरुआत और भाई अभी आ चुका है नाश्ता। नाश्ते में है चाय और भाई पापे तो करते हैं हिंदी से नाश्ता। भाई डायरेक्ट नाश्ता करने के बाद मैंने अभी अम्मी से कहा कि अम्मी अंडा ब्रेड बना दो नाश्ते में। तो भाई अम्मी ने अंडा ब्रेड नहीं बनाया क्योंकि भाई हमारा जो सिलेंडर है भाई वो गलती से पता नहीं उसका जो रेगुलेटर होता है ना भाई वो हो गया खराब और वो कर रहा था भाई बहुत जोर से लीक। ठीक है भाई सिलेंडर बहुत ज़्यादा जोर से लीक कर रहा है। इस चक्कर में भाई अभी अम्मी ने खोल लिया संदूक और अम्मी ने भाई ये जो हमें रेगुलेटर निकालना था ये अम्मी ने निकाल लिया, नया रेगुलेटर है और ये अभी उसमें लगाते हैं। ठीक है भाई और अभी अम्मी ने जब सिलेंडर जब संदूक खोल लिया तो भाई मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली जो भाई अभी तक नहीं देखी। ये देख सकते हैं आप भाई चमचा और भाई ये भाई फिश जो पहले के ज़माने में चलता था आपको बताइए होगा जिसमें भाई तस्वीर घूमती है सिर्फ बाकी होता है ओरिजिनल एक्वेरियम की तरह ये दिखता है भाई पर होता नहीं है इसलिए इसमें। ठीक है और भाई आप ये देख सकते हो भाई गोल्ड का भाई गोल्ड का भाई चमचा ये समझ सकते हो आप भाई देख रहे हो कितना पैसा मेरे पास भाई गोल्ड का चमचा बना रखा मैंने गोल्ड का चमचा। ठीक है भाई बहुत पैसा है मेरे पास अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हूँ भाई मैं अंबानी से भी ज़्यादा। और भाई ये देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है ये देखो भाई अभी सिस्टर जला के दिखा रही है इसको और भाई बहुत ही बढ़िया दिखेगा ये। हाँ जी भाई ये देखिए अब इसमें ऐसा लग रहा भाई असलियत में फिश तैर रही हूँ पर है नहीं भाई असलियत में। ठीक है भाई बाकी भाई मेरे पे पैसा बहुत है आप देख ही सकते हो गोल्ड का चमचा बनवा रखा हूँ मैंने मतलब मैं अंबानी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है मैं बहुत अमीर हूँ। ठीक है भाई बाकी आपको एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो मेरे पे कितना पैसा भाई मैंने गोल्ड का भाई लोटा बनवा रखा गोल्ड की कटोरी भाई बहुत पैसा मेरे पे बहुत ज्यादा आप देख सकते हो भाई ग्लास पे भी मैंने गोल्ड का काम करवा रखा और भाई आप देख सकते हो कॉपर की कढ़ाई भाई मेरे पे बहुत पैसा अंबानी मेरे सामने कुछ भी नहीं है मैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर हूँ। ठीक है भाई और भाई देखिये भाई कितना पुराना गोल्ड का आइटम है ये गोल्ड का लोटा भाई 1700 साल पुराना गोल्ड का लोटा भाई जो बात है भाई बहुत मजा आ रहा है। ठीक है भाई बाकी अभी अम्मी का जो सामान निकलवाना वो निकलवाते हैं और बाकी सारा सामान रखते हैं अंदर वापस जिससे कोई देख ना ले भाई चोरी वोरी हो जाए क्या पता इसलिए दुपका कर दो गोल्ड का सामान बेचिए हमारा बहुत महंगा पैसा बहुत है मेरे को कहाँ लेके जाऊँगा मैं इतना पैसा जल्दी से रखते हैं उठा के और करते हैं अपना गैस का रेगुलेटर लगाते हैं जल्दी से फिर चलते बाहर। ठीक है भाई बताना मत किसी को भाई फाइनली हमारी गैस जो थी भाई ये सिलेंडर में भाई ठीक हो चुकी है भाई इसमें दिक्कत ये आई थी हमारा रेगुलेटर जो था भाई ये वाला वो खराब नहीं था क्योंकि हमने नया वाला भी लगा के देखा वो भी सेम ही था वो जो अंदर का सिलेंडर की जो रबड़ होती है भाई वो कट गई थी इस चक्कर में भाई ये दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा इसलिए गैस लीक हो रही थी। ठीक है भाई तो हमने वो नया सिलेंडर चेंज कर दिया आप सिलेंडर वाला हटा के रख दिया और करेंगे कंप्लेंट वहाँ पर चेक करवाएंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है आपके सिलेंडर में। ठीक है और बाकी अब चलते जल्दी से बाहर कुछ सामान लेकर आना और मेरा दोस्त भी आ रहा है उससे मिलना भी है देखते हैं आज कहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं। भाई अभी सुबह और मैंने लगा एक चैलेंज क्योंकि भाई आप मौसम देख सकते हो भाई बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा भाई फुल बारिश वाला तो सुबह में मेरे में लगा चैलेंज भाई 3-3 पतंग काटने का तो देखते हैं भाई आज कौन जीतता है चैलेंज। अभी मैं जा रहा हूँ छत पर जल्दी से पहले खाते हैं खाना घर पर फिर चलते हैं छत पर फिर उड़ाते हैं भाई पतंग और आज सुबह की अगर मैंने पतंग काट ली तो भाई सुबह देगा पार्टी। आ चुका हूँ मैं छत पर पतंग उड़ाने के लिए और भाई सुबह की पतंग वो उड़ रही है भाई आप देख सकते हो ऊपर भाई उड़ रही है सुभान की पतंग और वो खड़ा भाई सुभान। ठीक है सुभान ठीक है भाई तो सुभान भी हाथ हिला दिया। ठीक है भाई अब जल्दी से उड़ाते हैं हम भी अपनी पतंग ये रही हमारी पतंग। ठीक है भाई उड़ाते हैं और सुभान की काटते कम से कम दो अभी। ओके डन है ब्रो काइपो काट दी ब्रो वो डोर आ गई थी उससे तो मसला ही नहीं था
अबे काट क्यों नहीं रहा था भाई? सदी थी मैं जब तक हूँ, अब तक कटी क्यों नहीं? मान जाता अब तक टूट जाता। मैं ये कहूँ ये कटी सही है क्या? है अच्छा तो सुन जैदान, डालियो मत जरा, मैं उससे लड़ाऊँ पहले। तो भाई आप देख सकते हो भाई, पहली तो पतंग हमारी कट गई थी और दो मैंने इनकी काट दी थी, ठीक है भाई? और दिखाई थी दूसरी वीडियो में, हाँ। तो भाई दो मैंने इनकी काट दी है और अब भाई अब बारी है भाई सुभान की, जो भाई बहुत देर से बहुत तेज चल रहा भाई हमसे, ठीक है भाई? तो अब बारी है सुभान की, पहले बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी फिर। तो बढ़ा लंबी भाई, मेरी पतंग इससे ज्यादा उधर नहीं आ सकती। मुझे लगता पड़ा चुका है खाना। खाने में बना भाई आज आलू बैगन, और भाई वैसे तो मुझे पसंद नहीं है आलू बैगन, पर भाई फिर भी खाएंगे क्योंकि खाना भाई जल्दी से भूख लगी है बहुत जोर की, तो खाते जल्दी से खाना, और सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसलिए ज्यादा भूख लगी है, तो खाना तो पड़ेगा ही। तो भाई अभी अजहर भाई और मैं जा रहे हैं माइक लेने, अजहर भाई ने चैनल चालू करा है और अजहर ब्लॉग के नाम से, तो उस पर भी भाई कल से काम होना चालू हो जाएगा शॉर्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। अगर भाई अब सुबह से कल से चालू कर देंगे भाई, कल से चालू कर देंगे। और अभी हम आ चुके हैं भाई जाकिर नगर में लेने के लिए भाई माइक, देखते हैं किधर की तरफ मिलेगा। पीछे अभी शैल शैल की तरफ देखा था, वहाँ तो है नहीं भाई, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, क्या पता यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो बाकी इधर की तरफ देखते हैं। तरफ तो मिला नहीं, अब हम सामने तरफ देखें किधर की तरफ जाओगे भाई। ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, उधर की तरफ तो है नहीं भाई। माइक है, माइक नहीं है भाई, सब कहीं तो मिल नहीं रहा, बाकी एक बार सामने और चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई? नहीं तो ऑनलाइन ही बुक करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर यहाँ मिल जाता तो यहीं पे देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है यहाँ मिलेगा, उम्मीद तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार फिर भी। माइक ही नहीं है भाई, माइक ही नहीं है, तो भाई अब हमें ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, ऑफलाइन तो यहाँ कहीं भी किसी भी शॉप पे नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन बुक कर दो। ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, बाकी एक दो दिन तो काम चलाने के लिए कुछ देख ही लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे कुछ। इसलिए हमने भाई यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी भाई हमें नहीं मिला, हमारे साथ भाई आज बहुत ज्यादा भाई साहब भाई जान पैसे बहुत मुंह फाड़ रहे हैं यहाँ पे, ओखले में लूट मचा रखी है भाई। हमने डबल वाला देखा था भाई, वो 900 का था, और भाई सिंगल वाला 800 रुपए का, मेरे भाई 800 में दे तो रहा था वो डबल वाला। अब तुम ये तो देखो 100 रुपीज का डिफरेंस, मतलब क्वालिटी बिल्कुल बेकार है भाई, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो एक दोस्त से जानने वाले हैं वो कश्मीरी भाई, तो उनसे कल जान के पता करेंगे, अगर वो रेट बढ़िया लगाएंगे तो कल उनसे दे देंगे। तो भाई बाहर जैसे कि आपने देखा माइक तो हमें मिला नहीं था, अब मैं आ चुका हूँ भाई डायरेक्ट घर पे, ठीक है भाई? और भाई देखते हैं कल जाके देखेंगे माइक, अगर कल मिल गया तो ठीक है, वरना कल फिर कर देंगे ऑर्डर। तो भाई आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाबा, सभी को मिलता हूँ, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं।